वेलकम टू एशाज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड द टॉपिक इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो दिस इज पार्ट वन वीडियो। इसके अंदर हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, आगे और सिलेबस के ऊपर और एमसीक्यूज हम आगे कवर करेंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश। और आपके चार ऑप्शंस है, ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन एंड डी डिफरेंशिएशन। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए है 10 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसका सही आंसर है सी ट्रांसक्रिप्शन। तो इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये देखिए, इसका फोटो भी है यहाँ पे, ये रहा। तो अ बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स और हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है जहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए और डीएनए के ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये एक जीन है। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लेकर मैसेंजर आरएनए जो होता है एमआरएनए बनाया जाता है। मतलब डीएनए पे इन्फॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए एक बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से बाहर ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस होता है जो हमने देखा एमआरएनए बनता है। सो दैट वॉज द आंसर देयर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब। द सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। This is called, तो ये जो एक statement है कि the proteins are synthesized by DNA through RNA। हमने एक RNA देखा mRNA, mRNA is one type of RNA। और भी अलग अलग types of RNA है जैसे tRNA, rRNA। तो in general जब ये statement आता है कि proteins are synthesized by DNA through RNA, इस process को क्या कहते हैं, तो उसके चार options में से आपको answer देना है। ये देखिए, the first option is central dogma, B mutation, C ट्रांसलेशन एंड D इज ट्रांसक्रिप्शन। और आपके 10 seconds शुरू हो गए हैं। एंड आई होप यू गेट द राइट आंसर हियर। द राइट आंसर इज A सेंट्रल डॉग्मा, है ना। तो यहाँ पे भी ये देखिए, सेंट्रल डॉग्मा मतलब पूरा प्रोसेस कि डीएनए से आरएनए बना, अलग अलग टाइप के आरएनए बना, फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो ये प्रोसेस को, ये जो स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, उसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए। देन थर्ड क्वेश्चन इज द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड। तो ये जो कोड होता है हर एक एमिनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, तो इस कोड को क्या कहते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास चार ऑप्शन है, ए जीन, बी ट्रिपलेट कोडॉन, सी राइबोसोम एंड डी एमिनो एसिड। तो आपके 10 seconds शुरू होते हैं अब। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स बी ट्रिपलेट कोडॉन। तो जो कोड होता है 3 का कोड होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, कोड है, तो ऑफ कोर्स आंसर इज ट्रिपलेट कोडॉन। देन हियर यू कैन सी ये कोड होता है, ये एमआरएनए के ऊपर हर 3 ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एमआरएनए मतलब हाफ ऑफ डीएनए के, हाफ जितना होता है ना, ये एक एक साइड रिबन होती है, दूसरी साइड ओपन होता है। तो ये जो स्टैंडिंग स्ट्रैंड्स है इसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे ये सी जी जी है यहाँ पे या सी यू यू है, तो ये एक एक कोड बन रहा है। तो ये एक कोड को कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। एंड दैट इज अ कोड फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। सो द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड डैश। तो अब एमआरएनए मैसेज तो लेकर आया, अब एमिनो एसिड्स कोड पढ़ के एमिनो एसिड्स कौन सप्लाई करता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन है आपके पास, ए ट्रांसलोकेशन, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन एंड डी डिफरेंशिएशन। एंड योर 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ।
और इसका करेक्ट आंसर है बी ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, फिर टीआरएनए जब एमिनो एसिड्स लेकर आता है मतलब वो ट्रांसलेट करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट करके एमिनो एसिड सप्लाई करता है, मतलब ट्रिपलेट कोडॉन का कोड पढ़ के ट्रांसलेट करके एमिनो एसिड्स मिलते हैं, तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं. ये रहा देखिए, ये टीआरएनए है, तो ये एमआरएनए पे जो मैसेज है कोड पढ़ता है टीआरएनए, और ये एमिनो एसिड, दिस इज अ टाइप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कोड के हिसाब से वो वाला एमिनो एसिड सप्लाई किया जाता है. तो ये लाइसिन एक टाइप ऑफ एमिनो एसिड है, सो दैट इज सप्लाइड, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सेप्ट डैश ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटीरियल. तो इसके भी चार ऑप्शन है आपके पास, ए प्लांट्स, बी फंगाई, सी प्रोटोजोआ एंड डी वायरस. और आपके 10 सेकेंड्स शुरू होते हैं अब. तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट वायरस. वायरस में डीएनए भी हो सकता है और सिर्फ आरएनए वाले वायरस भी होते हैं. तो वायरस में डीएनए ना हो फिर भी वो लिविंग मटेरियल हो सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर है डी वायरस. जैसे यहाँ देखिए आप, ये डीएनए वायरस है और ये सिर्फ आरएनए वायरस है, इसके पास आरएनए. जैसे हम कोविड वायरस की बात भी करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. सो दैट इज हैविंग ओनली आरएनए, नो डीएनए. सो दैट इज वायरस. इट्स अ लिविंग मटेरियल बट इट हैज नो डीएनए. सो दैट इज पॉसिबल विथ वायरसेस. Then sixth question, the amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA, ribosomal RNA through ribosome. This is called dash. तो हमने देखा transcription होता है, फिर translation होता है, और अब ये third step हो रहा है कि amino acids bond किए जा रहे हैं. तो इस process को क्या कहते हैं? The options are A, translocation, B, ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन एंड डी ट्रांसपोजिशन. तो इसका करेक्ट आंसर के लिए आपको फिर से 10 सेकेंड मिलेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. और इसका करेक्ट आंसर है ए ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेट होता है. अब ये राइबोसोम जो है पूरा आरएनए, मतलब राइबोसोमल, राइबोसोम उसके ऊपर पूरा मूव होता है और आरएनए उनको पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं सारे अमीनो एसिड्स को, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. दिस इज द प्रोसेस, यू कैन सी दिस इज द राइबोसोम. सो ऑल दीज अमीनो एसिड्स कमिंग टुगेदर आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो इसके लिए राइबोसोम को पूरा लोकेशन अपना पूरा ये ट्रांसलोकेट करना पड़ता है, पूरा ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. सो दीज आर द थ्री स्टेप्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. वी कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन नाउ. समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज, दिस इज कॉल्ड डैश. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हमने देखा डीएनए पे आरएनए पे, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो तीन कोड ट्रिपलेट कोडॉन बनने के लिए भी जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, तो जीन पे कभी वो अपना पोजीशन समटाइम्स चेंज कर देते, कहीं पे वो अलग हो जाते, चेंज हो जाते. तो उससे कुछ माइनर चेंज हमारी बॉडी में भी आती है, उस प्रोसेस को उसको क्या कहते हैं? यू हैव फोर ऑप्शंस, डीएनए, बी आरएनए, सी म्यूटेशन, डी एवोल्यूशन. And your 10 seconds start now. And obviously, its correct answer is C, mutation. So, ये जो minor change होता है, इसे mutation कहते हैं. ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये sequence है gene का, इधर एक change हो गया, कुछ part change हो गया, तो minor change आता है, उसे mutation कहते हैं. Then we come to the eighth question. The transfer of biological characters from one generation to another via genes is called dash. And the four options are A, heredity, B, central dogma, C, mutation, D, evolution. And your 10 seconds start now.
एंड द करेक्ट आंसर इज ए हेरिडिटी। तो इसे हेरिडिटी कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन पर जो हमें पेरेंट्स से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तो जीन्स के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू, मदर एंड फादर के थ्रू हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं। जैसे चिल्ड्रन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है, उनकी आदतें कभी कभी सेम होती है, तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। देन नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स थ्रू डैश वॉज गिवन बाय जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टाटम। तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हमने देखा अभी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तो प्रोसेस पूरा किससे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स थ्रू डैश, तो दिस प्रूफ, इसके लिए प्रूफ जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टाटम ने दिया था। तो ये आंसर ऑप्शन जो है हमें सिलेक्ट करना है इसके लिए, ये ब्लैंक के लिए, एंड द फोर ऑप्शन आर ए ट्रिपलेट कोडॉन, बी जीन, सी राइबोसोम एंड डी अमीनो एसिड। एंड योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज जीन, क्योंकि इंफॉर्मेशन जीन पे होती है ना, पूरा हेरिडिटी चैप्टर ही जीन पे इंफॉर्मेशन है, जीन्स वो इंफॉर्मेशन है, वही डीएनए, मतलब जीन, डीएनए का एक हिस्से को ही जीन कहते हैं ना, अलग अलग जीन सारे डीएनए के ऊपर है, तो डीएनए से ही बना हुआ है जीन, तो वो जीन के ऊपर से ही आरएनए बनता है और पूरा प्रोसेस होता है, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू सिंथेसिस अकर्स थ्रू जीन, तो दिस इज द आंसर, नो अदर ऑप्शन फिट्स, यहाँ पे डीएनए वगैरह आरएनए नहीं दिया है, तो ये सारे आंसर नहीं आएंगे, जीन आएगा। तो ये प्रूफ जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टाटम ने दिया था, दे वर्कड ऑन म्यूटेंट्स ऑफ अ फंगाई and that led to this groundbreaking discovery that genes provide the instruction for making proteins. The gene ke upar information hai jo mRNA leke jata hai bahar aur pura process hota hai. So iska proof inhone diya tha. Then the last question, 10th question. The causality behind the sudden changes was understood due to mutation principle of dash. तो यहाँ पे चार साइंटिस्ट के नाम है कि जो म्यूटेशन प्रिंसिपल है वो किसने समझाया था कि सडन चेंजेस अगर बॉडी में कुछ होते हैं, पेरेंट्स में वो ट्रेट नहीं है, बच्चे में आ जाता है, तो ये म्यूटेशन से होता है ना, तो ये म्यूटेशन प्रिंसिपल किसने बताया था, तो द फोर ऑप्शंस हियर आर ए डार्विन, बी लमार्क, सी विलर्ड लिब्बी एंड डी ह्यूगो डी ब्रिस। एंड योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। And the correct answer here is D, Hugo de Vries. उन्होंने दिया था ये principle. ये देखिए. So it was in 1901 he suggested that inherited mutations caused variations. कि mutation की वजह से कुछ changes आ जाती है. ना ये plant में भी उन्होंने experiments करके बताया था. So that is it for this quiz. आपको ऐसे daily quiz चाहिए, सारे subjects के quiz चाहिए तो आप हमारा app download कर सकते हैं. वहाँ पे आपको contact details भर के login details मिल जाएगी. एक बार आपको login detail मिल गए तो आपको ये screen दिखेगा हमारे app पे, जिसपे आप जाके test दे सकते हैं. Test में जो question आते हैं वो solve करके daily test दिए जाएंगे. यहाँ पे free है ये. So you can just download the app, fill in the details and get a login and start with the test. So daily आपको एक test दिया जाएगा. आप इसपे हर subject के test दे सकते हैं. For your class 10 CET exam also and for various other competitive exams. So that is free daily tests for all competitive exams which are available on our app. You can download it up here. Wish you all the very best. Thank you.